गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी व्याकरण से शब्द विचार पढ़ाऊंगी। बच्चों, पहले हम लोग शब्द का परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द का परिभाषा है, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, जैसे राम, गाय, गीता, फूल इत्यादि। बच्चों, शब्दों को चार आधारों पर बांटा गया है। मैंने यहाँ पे लिखा है, शब्द को चार आधार पे बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। शब्द को इन चार आधारों में बांटा गया है। इन चारों आधारों के अलग अलग भेद हैं। पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हरिण, कंटक, जिह्वा इत्यादि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत में हम लोग वानर बोलते हैं और वानर को हिंदी में तद्भव शब्द के अनुसार बंदर बोलते हैं। दधी संस्कृत में बोलते हैं और दही हिंदी में बोलते हैं। फिर तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में उत्पन्न हुए शब्द, जैसे पगड़ी, चारपाई, ये सब देशी शब्द हैं। फिर चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का अर्थ है विदेश में उत्पन्न हुए शब्द, जैसे अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में आते हैं डॉक्टर, थर्मामीटर, गैस, कंप्यूटर इत्यादि। अब हम लोग रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, परंपरागत एवं प्रचलित वे शब्द जिनका किसी विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे तोता, सूरज, कोयल। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ होता है योगों से बनने वाले नवीन शब्द, यानी नए शब्द। जोड़ से, दो शब्दों के जोड़ से जो शब्द नया शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या प्लस आलय। विद्या और आलय को जब जोड़ते हैं तो विद्यालय यानी विद्या का घर होता है। फिर तीसरा है योगरूढ़ शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने यौगिक शब्दों का प्रयोग जब परंपरा अनुसार किन्हीं विशेष अर्थों के लिए किया जाता है तो उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ नीला है जिनका कंठ, अर्थात भगवान शिव। और चतुर्भुज, चतु प्लस भुज, चार भुजाओं वाले, अर्थात भगवान विष्णु। फिर प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द कहलाते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के आदि के कारण परिवर्तन, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है, इसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे बालक, व पढ़ा, गोरा, ये सब लिंग और कारक के साथ बदल जाते हैं। जैसे बालक को लिंग बदलना होगा तो हमें बालिका लिखना है, पढ़ा को पढ़ी लिखना है, गोरा को गोरी लिखते हैं, ऐसे। फिर दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का अर्थ है वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का विकार न हो, अर्थात प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे तेज, बराबर, धीरे। ये इन शब्दों को कहीं भी आप लगाइए, इनका कोई दूसरा रूप नहीं लिखा जाता, ये जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे आकाश, आकाश का अर्थ होता है गगन, आसमान, ऐसे। फिर नेक्स्ट है निरर्थक शब्द। वे शब्द
जिनमें किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे टिक टिक, खट खट, ये सब का कोई अर्थ माने नहीं रखता है, तो ये निरर्थक शब्द होते हैं। बच्चों इस तरह से शब्द विचार में और बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। आप बुक पढ़िए और समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।